नमस्ते मित्रों, ये जो हमने सुबह मोरिंगा के बीज जो भिगोए थे अमृत जल में, उनको 2 घंटे हो चुके हैं और अब ये नानू भाई निकाल रहे हैं इनके अमृत जल में से। सीड ट्रीटमेंट के लिए इसको भिगो के रखा था अमृत जल के अंदर मोरिंगा के बीच का। भाभी पकड़ के निकालो उसको धीरे से। इसको अब शीट ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो 2 घंटे की प्रोसेस थी इसको नमी में भिगो के रखने की। अब इसके बाद में इसमें अग्निहोत्र की राख, हवन कुंड की जो भस्म है उससे ट्रीट करेंगे, और वाइसेनोमेटा करके एक हमारा प्रोडक्ट है बी किसान ग्रुप का। वाइसेनोमेटा एक्चुअली है क्या ये आप खुद देख लो, जिससे इसका ट्रीट होगा। वाइसेनोमेटा के अंदर मोनोसुक्रोस फ्रुक्टोस एंड क्रुकुमिन है। मोनोसुक्रोस आता है ग्लूकोस के अंदर और क्रुकुमिन आता है हल्दी के अंदर। ये 100% ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक की मित्रों परिभाषा ये रहती है कि आप उसे खा सकते हो। अगर ऐसा कोई सा भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जिसे आप खा नहीं सकते, वो ऑर्गेनिक की श्रेणी में नहीं आता है। ये सिंपल सी ऑर्गेनिक की एक परिभाषा है। नहीं निकले रहे। टब में निकाल ले थोड़ा थोड़ा। अंदर बिखरे नहीं देगी। एक फैले लो काकी, पूरे पूरे में फैला लो इसको, चपटा चपटा कर लो। एक साइड ही करो ना, ये भी आएगा। और मित्रों ये मेरी फील्ड है करीब 9 एकड़ की। इसमें ये कुछ बायोमास रखा है मोरिंगा जो लगेगा इस पे अच्छादन के लिए, मल्चिंग के लिए। और मैंने इसमें करीब ये 2 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा छोड़ रखी है कुछ भी काम वगैरह करने के लिए। 7.5 एकड़ में उधर मोरिंगा आएगा, वो आएगा 6 फीट बाय 1 फीट पे। ये बोरिंग है करीब, यहाँ का पानी का वाटर लेवल जो है 600 फीट गहराई ये किया हुआ है, और इसमें जो मोटर पंप डला हुआ है वो 540 पर से पानी दे रहा है। एक मेरे पास पानी का साधन और है, यहाँ से 1000 फीट दूर पर आगे नाला है। उस नाले में एक कुआं बना रखा है, कुएं में से भी पानी आता है वहाँ से। ये निकल गया है अमृत जल में से बीज। ये मोरिंगा का बीज है PKM2। ये हमारे पास आया है हमारे मित्र संगठन है एक सत्यम ट्रेडिंग करके राजकोट से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके हैं नीतू बहन करके हैं उनके संचालक हों में से, जिनके साथ हमारी चर्चा हो करके हम ये मोरिंगा प्लान कर रहे हैं। और हम ये लीफ का कर रहे हैं, मतलब पत्तियों का। दो तीन तरीके से करते हैं इसे मार्केट में,
इसकी फली का भी व्यवसाय होता है, किसानों के बीच में फली का काम भी रहता है। हम इसे पत्तियों का काम कर रहे हैं, 100% ऑर्गेनिक। मेरी एक्चुअल फील्ड पिछले 8 साल प्लस से ऑर्गेनिक ही मैं कर रहा हूँ। इसमें पहले मेरे पास था नान बीटी का जो कार्टन आता है, देसी हाइब्रिड, अंबिका 12 और स्वदेशी 5। 4 साल पहले वो था, उसके बाद में 2 साल के लिए गन्ना आया था। गन्ने की वैरायटी थी मेरे पास, और फर्स्ट सेकंड लिया उसको। उसके बाद गेहूं आया। ऐसे 4-5 राउंड से हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं 100%। और अब इसमें मोरिंगा आ रहा है। आज डेट है 20/5/2018। ये पोटली 2 घंटे पहले डाल रखी थी अमृत जल में, अब उसको निकाला है प्लांटेशन के लिए। ये लगभग रेडी है, बाहर नहीं बिखरना चाहिए बीज, अंदर अंदर कर लो। वहाँ से भाभी बिखरा लो, इसको फैला लो, ज़्यादा भी मत फैला। नानू वो अग्निहोत्र की राख सब में डाल दे बेटा, पूरे में ऊपर, और मिला लो उसको। इस पे पूरे पे चिपक जाना चाहिए। ये हवन कुंड की राख है अग्निहोत्र की, इधर दे। और हर वो चीज जो आप खा सकते हो उसी को आपको ऑर्गेनिक समझना चाहिए। अगर खा नहीं सकते तो वो चीज ऑर्गेनिक नहीं है। पूरे में डाल के इसको मिला लो, इसके बाद वाइसिनोमेटा डाल दे। नीचे हाथ करके डालो, उड़ने मत दे। भाभी ये पैकेट खोलो, हम वहीं से फाड़ लो, यहीं से। इसको खोल लो, इनको वाइसिनोमेटा है जो जिससे हम ट्रीट करेंगे। निकालो ना, हाथ ले। ये मोनो सुक्रोस और क्रुकुमिन का कॉम्बिनेशन है। मेरा वही कहना था कि जिस चीज़ को आप खा नहीं सकते वो ऑर्गेनिक नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक है, ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि इसे आप खा सकते हो। मतलब ये प्राकृतिक है जिसकी हम बात करते हैं। मार्केट में इतने बहुत सारे प्रोग्राम हैं, पूरे में फैला लो ना, हाथ से मिक्स कर लो। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पर न जाने किसानों को क्या बता रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ है। मेरा हर किसान से एक ही स्टेटमेंट है कहना कि आपको अगर ऑर्गेनिक के नाम पर कोई आता है आपके फील्ड पे, तो उसको एक ही बोलना है, भैया आप इसके टेस्ट करके हमें दिखा दो तो हम इसे ऑर्गेनिक मान लेंगे। बगैर उसके कोई चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है। सब में डाल, इधर भी डाल, सब में, पूरे में डाल। ये मेरी टीम है जो आज मोरिंगा प्लान करेंगे। अभी अब इसको मिक्स करना चालू कर दो, काकी उधर से मिलाना चालू कर दो जिधर डल गया। ये अग्निहोत्र और वाइसिनोमेटा में इसे ट्रीट करके एक एक बीज लगाएंगे 6 फीट बाय 1 फीट पे, पूरे को दोनों हाथों से मिक्स कर लो, नीचे ऊपर सारा कर लो, पूरा मिक्स कर लो। मुकेश भाई वो ड्रिप सही कर दी थी वहां पे जो कमजोर थी, वो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर पूरा कर लो। ये पाउच पकड़ बेटा मुकेश भाई, एक यहाँ पर फटी हुई कोठी थी ना खराब वाली, खराब कोठी रखो, ये जितने प्लास्टिक कूटा कचरा जो हो सब उसमें डालो, खेत में मत जाने दो। तो फूटी हुई कोठी कहाँ है, एक फूटी हुई कोठी 200 लीटर की।
या एक थैली रख दो। मित्रों अब इसको उठा के ले जाएंगे फील्ड पे और वहां पर लगाने का प्लांटेशन का काम चालू करेंगे।